नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रिक का आकाश। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज धुरंधर बीवीएस लक्ष्मण ने 2019 वर्ल्ड कप को लेकर जबरदस्त भविष्यवाणी की है। भारतीय टीम के लिए कई सालों तक खेलने वाले बीवीएस लक्ष्मण ने कई यादगार पारियों से भारत को मैच जिताए हैं। अब इन्होंने अपनी आत्मकथा 281 एंड बियॉन्ड में कई रिकॉर्ड्स और बातों का खुलासा किया है। लक्ष्मण ने अपनी इस आत्मकथा में सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और कुंबले की कप्तानी में खेलने को लेकर कई बातों को उजागर किया है, जबकि इन्होंने अपनी खेली गई 281 रनों की पारी को बेस्ट बताया। लक्ष्मण ने 2019 में कौन सी टीम चैंपियन बनेगी इस सवाल पर इन्होंने भारत का नाम न लेते हुए इंग्लैंड का नाम लिया। इन्होंने कहा कि इंग्लैंड की टीम ज़्यादा प्रबल दावेदार है। इंग्लैंड टीम वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदार इसलिए रहेगी क्योंकि अपने घरेलू मैदान पर खेलने का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन भारतीय टीम के नाते लक्ष्मण चाहते हैं कि भारतीय टीम चैंपियन बने। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आगे ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहें क्रिक आकाश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।